जिसमें कि क्या दे रखा है, हमारा सातवां क्वेश्चन है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये पूछ रहा है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है 24, तो हम क्या करेंगे, तीन का दे रखा है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तीन से डिवाइड करेंगे, तीन अट्ठे 24, 8 आया। अब इसमें क्या होगा, 8 से एक नंबर बड़ा होगा और 8 एक नंबर छोटा होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो 9 होगा और छोटा नंबर होगा क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें तीन के तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो ये गुणज क्या होंगे। तो तीन के तीन क्रमागत गुणज पूछ रहा है, वही क्रम अपनाना है, तीन के योग है ये 99 दे रखा है, तो 99 के लिए क्या करेंगे हम, तीन से भाग करेंगे, तीन से डिवाइड करोगे तो क्या है, 3 3 9 3 3 9, ये हमारा नंबर बन गया 33। अब इसी क्रम में 33 से एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो 33 के बाद 34 आना चाहिए, लेकिन 34 नहीं लेंगे क्योंकि वो बोला है तीन का गुणज होना चाहिए, तो 33 के बाद तीन एक्स्ट्रा क्या है ऐड करोगे इसमें, 36 हो जाएगा, और तीन क्या है कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्रमागत गुणज, तो ये जाएंगे हमारे गुणज हो जाएंगे 30 33 और 36, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 9, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी। 147 इसे रखा है लेकिन तीन संख्याओं का योग है तो तीन से ही डिवाइड करेंगे हम इसके लिए, 3 4 12 3 9 27, कितना आया 49। तो पूछ रहा है मध्य वाली संख्या क्या होगी, तो मध्य वाली संख्या क्या है, इससे एक अगर बड़ी पूछता तो इधर एक बढ़ा के लिख देते, लेकिन क्या छोटी पूछता तो एक कम करके लिख देते, लेकिन मध्य वाली पूछ रहा है तो मध्य वाली क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन हो गया हमारा, दसवां क्वेश्चन है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 12 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इनका योग 12 दे रखा है तो 12 को क्या करेंगे हम, तीन से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, तो एक नंबर इससे बड़ा होगा एक नंबर इससे छोटा होगा, बड़ा नंबर क्या होगा 5 होगा, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे इसमें, हमें क्या देखकर सम संख्या पूछ रहा है, सम क्या दो अंक ऐड करोगे तभी क्या होगी सम संख्या बनेगी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कम करोगे 2 तो क्या हो जाएगा 2, तो छोटा नंबर कितना रहेगा 2 और बड़ा नंबर क्या रहेगा 6, पूछ कौन सी संख्या आएगी हमसे, छोटी संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस बार क्या है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोल रहा है, वो 5 क्रमागत विषम संख्या 55 है तो इसमें क्या करेंगे फिर 5 से क्या इसके लिए डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा ये 11 आएगा, 11 से एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, 11 के बाद 12 आना चाहिए लेकिन 12 नहीं क्योंकि विषम बोल रहा है, तो कितना आएगा 11 और 2 13, 11 से कम क्या है विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी हमारी 9, तो क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। थैंक यू।